हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट्री। दिस इज इमरान। वी हैव अनदर एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्टोइकोमेट्री। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.008 amu। इट मास इन केजी इज amu, जो है दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। amu इज द एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 जो है आइसोटोप, इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एनीवेज कहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज़ 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। इट मास इन किलोग्राम इज़, अब किलोग्राम में हमने इसका मास फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज इट इज़ हैविंग ओनली वन प्रोटॉन। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। ठीक है, हम हाइड्रोजन वन की बात कर रहे हैं, हम इसके बाकी आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहे। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीन आइसोटोप्स होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोटॉन है दैट इज़ वन, और न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ 1-1, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इस वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1.008 amu। लेकिन अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है kg में, ठीक है, वी हैव इन amu इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं kg के अंदर। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मल्टीप्लाई 1.008 विथ 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁷ ग्राम, विच इज़ द मास। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1.008 मल्टीप्लाई बाय 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁷ kg। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट फॉर मोर वीडियोज़।